AM. Who's traveling all around the world? Hello, the everybody. Are you going? My English is very high, you know. It's fantastic your English, Mintu ji. बहुत सोनी था इंग्लिश आपने। मेरा सब मेरे फ्रेंड की भी ऐसे ही थी। हाँ। तो उसको पेपरों में बोला भी जाके लेके आना कोई भी ऐसा है उसको चेंज कर लेते हैं। जी जी। जैसे भाई का ऐसे हो तो ब्रदर को सिस्टर तो कर लेते हैं। तो वहाँ पे फ्रेंड की जगह उसके फादर का आ गया तो वो क्या लिख के आया था पता है? आई हैव मैनी फादर्स। ऑलराइट, इधर कहते थे हम शशि भाई है। शशि भाई आ जाओ आगे। Big round of applause for Shashi Bhai. He's a presenter in the morning, Saturday and Sunday morning. Oh, Shashi Bhai, come on, come! कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हो? शशि भाई, सैटरडे संडे देर से जागते हो कि जल्दी जल्दी जागते हो? जल्दी जल्दी, 8-10 सुनते हो, वो मैं ही हूँ। हाँ जल्दी जल्दी। हाँ शशि मिस्त्री यही है वो। शशि भाई को जोक सुना दे। आप तो ऐसा है, जो मेरी वाइफ है ना, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। आपको हिंदी तो सबको आती है, समझ ना? जा जोर से, जरा जोर से बोलो हेलो। खाना वाना खाया? ओ खा लो। तो मेरी वाइफ जो है वो है, उसका नाम है मिंटी। तो मेरे घर में मेरा दोस्त आया नथा, उसने दरवाजा खटखटाया, बोली हेलो कौन बोल रहा? बोला जी मैं नथा। अच्छा, कहनी कौन? कहना जी मैं नथा। कहनी कुत्ता। बोला क्या हुआ? कहनी मैं तुमको नहीं कह रही, मेरे पैरों में कुत्ता आ गया है, बर्थडे है ना आज। और कहना जी किसका? मिंटू का। कह नहीं मोंटी का। कहनी मोंटी कौन है? कहनी हमारा कुत्ता है, दोनों एक सही है। कहनी मोंटी और मिंटू दोनों एक सही है। एक सही, एक सही। सो अब सचिव भाई का जोश रहा, उसके पास बताओ। जोश नहीं यार, जोश हो गया। मैं आपको एक शायरी सुनाऊं? जोक कम शायरी। ओके, साली ने आपकी शादी हुई? शादी हुई नहीं, नहीं करना। हाँ शाली ने, सुनो सुनो, क्वाइट फॉर अ व्हाइल। साली ने जीजा से कहा मिठाई खिलाओ। जीजा जी ने कहा साली से, मिठाई जरूर खिलाऊंगा लेकिन किस लिए? तो साली ने कहा मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा जी ने कहा मैं मिठाई भी खिलाऊंगा और पास हो जाओ। समझ गया ना? हाँ, जीजा जी ने कहा मिठाई भी खिलाऊंगा और पास हो जाओ। आप मतलब हमें क्या ना, डबल में नहीं, डबल में नहीं। आप लोगों ने शोले पिक्चर देखी है? शोले कितने लोगों ने देखी है? शशि भाई शोले देखी है 20 बार। तो शोले में जो सांबा है ना वो ऊपर बैठा है, ऊपर ऊपर बैठा है। तो वो बोलता है छोले थोड़ा चेंज हो गया है, 20 साल के बाद की छोले है। तो वो बोलता है सरदार इस कार्य को समझा लो, जब मैं ऊपर बैठता हूँ तो मुझसे पूछो ऊपर बैदर कैसा है। कहता मैं जहाँ बैदर बैठाने को बैठा हूँ कि डाकूगिरी करने को बैठा हूँ। कहता क्यों बे कालिया, तू से बार बार बैदर क्यों पूछता है? कहता सरदार मैंने सोचा डाकूगिरी का धंधा काम हो गया है, बैदर की एडवर्टाइजमेंट युवा में लगा देते हैं, क्यों ना बैदर का धंधा शुरू कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा मिंटू यार इतना सयाना है, इतना नेक है कि जब हम सुनिए ना प्लीज, बहुत महंगा वाला जोक है, महंगा वाला है। हाँ ये मेरा मिंटू यार इतना नेक और ईमानदार फ्रेंड है, दोस्त है। जब भी हम कभी भी दरिया पार नदी पार कर रहे हो और नाव में छेद पड़ जाए तो पानी निकालने के लिए बगल में एक और शेर कर देता है। इतना क्लेवर है। मैं एक बार बताऊं, चलो कल अगर आपको समझ में आपको, शशि भाई बहुत अच्छे आदमी है, इसकी भाई भी बहुत अच्छी भाभी जी। मैं एक दिन घर पे गया, मैं कहा हेलो शशि जी है, बोली नहीं है आ जाओ। सो पहले हम लोग गीत लगा ले, डांस कर ले। एक मिनट बिफोर वी गो वन मोर जोक। आप सब काम करते हो ना? नहीं, ना 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 ना। David Cameron is right in trouble at the moment. काम करना चाहिए तो छोटा मोटा। हाँ जी, तो एक मेरा दोस्त था काम करता था, तो हमेशा उसके बॉस के पास जाता था हर महीने की पहली तारीख को। कहता था कि बॉस मेरे मालिक, मेरे 9-10 बच्चे हैं, इतने पगार में मेरा कुछ नहीं बनता, मेरी पगार बढ़ा दो। बॉस कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट मंथ आया, पहली तारीख को फिर से गया,
कहा कि भाई सेठ साहब मेरे 9-9, 10-10 बच्चे हैं, मेरा पगार बढ़ा दो। फिर भी बॉस कुछ नहीं बोला। तीसरे महीने की पहली तारीख को फिर से गया वर्कर, कहा कि भाई बॉस मेरा पगार बढ़ा दो, मेरे 9-9, 10-10 बच्चे हैं, इतने में कुछ नहीं चलता। तो फिर मालिक से रहा नहीं गया, उसने कहा यार मैं तेरी फैक्ट्री चलाऊं या मेरी फैक्ट्री चलाऊं। फिर उसने सोचा कि भाई पूछ लूं कि ये 9-9, 10-10 बच्चे कैसे हो गए। तो उसने क्या बताया, भाई मैंने मेरे ससुर जी को वादा किया था कि तुम्हारी बेटी का पेट कभी खाली नहीं रखूंगा। सोच चलते हैं एक गीत की तरफ, पहले हम लोग बच्चा लोग डांस करेंगे, उसके बाद जोक चलते रहेंगे। कभी कभी मैं सुखने में एक्टर हो जाता हूँ, कभी मैं राइटर हो जाता हूँ, कभी डायरेक्टर हो जाता हूँ, सुखने में भी मिंटू एक्टर हो गया। प्ले द सॉन्ग। राइट, ओके। Mintu is gonna become an actor in his dream. That's what he's gonna sing for you next now. Mintu, Mintu's gonna. This is Mintu. He's gonna become an actor. Become actor, director, producer, everything. Right. Okay. I know I've got some names here for people who want to jump on the stage and dance. Okay. Right. After this, definitely you're on. Okay. Right. Yeah. So stay here. Right. Okay. So मैं आपको सुनाता हूँ शोले की बात मैं आपसे कर रहा था। तो शोले में जो है ना वो नए जुका है गब्बर, तो वो बोलता है हेलो कालिया, तेरा क्या होगा कालिया, अरे क्या होगा मेरा, तेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, इसका क्या होगा, हर समय तेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, तेरे बाप का क्या लेगा। वो कहता मैं कहता गब्बर डर गया, अभी कालिया ये क्या बोलने लगा, कहता कालिया वो नमक वाला डायलॉग बोलना, क्यों बोलूँ, कहता नमक वाला डायलॉग, कौन सा मैंने तुम्हारे कहा नमक खाया है, दो दिन से तो बगल वाले गांव में जहाँ बसंती और भीड़ मिलते हैं वहां जाके खाना खा के आ रहा हूँ मैं, नमक वाला डायलॉग बोल, नमक वाला डायलॉग बोल। वो कल मेरे को कहता उन्होंने पकड़ भी लिया था, वो बोले थे यहाँ क्यों खाना खाने आता है, तो मैंने बोला वहां पे कालिया का मैं नमक नहीं खा रहा गब्बर का, इसलिए यहाँ इधर आता हूँ खाना खाने। हर समय बोलता है तेरा क्या होगा कालिया, मेरा क्या होगा कालिया। सो ये था गब्बर। स्टार्ट द सॉन्ग। आर यू रेडी टू डांस? मिंटू एक्टर हो गया। दसी सुखने दे बीच मिंटू एक्टर हो गया, गाने इस बार फिल्मा ते डायरेक्टर हो गया, डायरेक्टर बन गया सारी जिसे चले गए, सत फिल्मा शुरू कर दिया तो अब करने एक्टर गाने शुरू हो गया, सुखने दे बीच मिंटू यारो डायरेक्टर हो गया, सुखने दे बीच मिंटू यारो डायरेक्टर हो गया, सुखने दे Yeah.
सुखने दे बिच मिंटू यारो ट्रैक्टर हो गया, सुखने दे बिच मिंटू यारो ट्रैक्टर हो गया, सुखने दे बिच मिंटू यारो ट्रैक्टर हो गया। Okay, that was Minto, our comedian. I hope you guys liked him from Eva FM. Got a tune.